हेलो दोस्तों, मैं सोन त्रिपाठी आज आपका आप ही के यूट्यूब चैनल एसटी एजुकेशनल पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं एक पॉइंट मैं साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है बहुपद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। तो कंडीशंस हैं कि उसमें जो चर होता है यानी जो वेरिएबल्स होता है उसमें केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है कि उसमें ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल, केवल एक ही चर होना चाहिए, केवल एक ही चर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि उसमें यानी बीजीय व्यंजक में क्या होना चाहिए, चर की घात, चर की जो घात होती है, चर की घात ना तो नेगेटिव हो, ना ही भिन्न हो और ना ही अंडर रूट में हो। यदि ऐसा कोई बीजीय व्यंजक जिसमें जो वेरिएबल हो, जो चर हो, चर वेरिएबल जानते होंगे आप, जिसका वैल्यू क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, मतलब सब वेरिएबल्स होंगे। और नॉन वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट क्या होता है, नंबर्स होता है। नंबर्स में जैसे 1, 2, 3 या कोई भी नंबर जिस कांस्टेंट हो, जैसे 5 भी एक नॉन वेरिएबल कांस्टेंट नंबर। तो वेरिएबल में उसमें क्या हो, बीजीय व्यंजक आपने पढ़ा होगा पहले, जैसे इस टाइप के एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग, इस टाइप के बीजीय व्यंजक, इनको बीजीय व्यंजक बोला जाता है, ठीक है। कंडीशन क्या है वेरिएबल, वेरिएबल में बहुपद में एक कंडीशन होता है कि उसमें केवल एक ही वेरिएबल यूज हो, यानी अगर एक चर यूज x हुआ है तो उसमें एक ही, जैसे इसको हम बहुपद नहीं कर सकते, यह बहुपद नहीं रहेगा और यह भी बहुपद नहीं रहेगा। रीजन क्या है, रीजन यह है कि इसमें x भी यूज हुआ है, y भी यूज हुआ है, z भी हुआ है, इसमें देखो x यूज हुआ है और y यूज हुआ है, तो यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि दो ही कंडीशन, उसमें केवल एक ही चर होना चाहिए, चर की घात ना तो माइनस हो, ना ही भिन्न हो और ना ही अंडर रूट। तो आप लोग समझ रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे हम बहुपद ले सकते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यह बहुपद होगा क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि एक्स केवल एक्स ही यूज हुआ है और दूसरा वेरिएबल इसमें नहीं आया है। यह भी बीजीय व्यंजक है लेकिन इसमें कोई भी दूसरा चर नहीं आया है x को छोड़कर। एग्जांपल में और ले लीजिए y³ + 3, यह भी क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। इसमें भी यह y में बहुपद है, यह y में बहुपद है, इसको पॉलीनोमियल्स ऑफ y इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यानी py = y³ + 3, और इसको px लिखा जा सकता है। डिनोटेशन का प्रोसेस है कैसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात मैं पूछता हूँ आप लोगों से, क्या आप बताइए y³ - 3 + 7 क्या यह पॉलीनोमियल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल तो एक ही यूज हुआ है लेकिन जो पावर हो गया है क्या हो गया है, यह निगेटिव -3 हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह वेरिएबल, यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि y³ + y⁻⁷ + 3, क्या बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन यह है कि यहाँ पे y का जो पावर हो गया क्या हो गया है, अंडर रूट में हो गया है, अंडर रूट में हुआ, ठीक है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। दूसरा और तीसरा क्या है, और पूछा जाए आप लोगों से यदि कि बताइए y² + y⁻³ क्या यह बहुपद है? नहीं है, नहीं है। क्यों है, क्यों नहीं है?
तो कि यहाँ पे y का पावर क्या हो गया है, y का पावर 1/2 है, जो कि एक भिन्न है। पर कंडीशन आपको बताया गया है कि चर की घात ना तो माइनस हो, ना ही भिन्न हो, ना ही क्या हो, अंडर रूट। सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि घात क्या होता है, घात एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या होने का मतलब 1 हो 2 हो 3 हो, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब बहुपद को आप लोगों ने पहचानना समझ गया है, बहुपद का एग्जांपल समझ गया है, समझ गए हैं। और आप ये जरूर पहचान के बता देंगे कि दिया गया बीजीय व्यंजक बहुपद है कि नहीं है। अब हम इसके टाइप्स का जो डिस्कशन है उसको हम अगले टॉपिक्स में करेंगे, टाइप्स बताएंगे। उसके बाद टाइप्स में आप बहुपद की घात देखना भी बताएंगे कि बहुपद की घात कैसे दिया जा देखा जाता है। अगले टॉपिक वीडियो में बहुपद की घात, फिर उसमें प्रकार, और जो प्रकार है यह दो बेसिस पे हुआ है। फर्स्ट बेसिस है घात के आधार पर, दूसरा क्या है, दूसरा है पदों की संख्या के आधार पर। यह अगले वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। बाय बाय, थैंक यू।